था भाई, तो बड़ा भाई जो था वो भगवान की भक्ति करता था, वो भक्ति करता था, भजन कीर्तन हरिनाम और साधु संतों का संग वो अच्छे तरह से करता था। लेकिन उनसे छोटा भाई जो था वो उससे इस बात से छिड़ थी और बहुत ज्यादा चिंता कि मतलब कि बड़ा भाई जो है वो बड़ा भाई जो अपने घर में मतलब बड़ा के साधु संतों का सम्मान करते हुए प्रसाद सब कुछ कराता था। छोटा भाई सोचता था हम इतना कमाते हैं और बड़ा भाई क्यों उड़ा देता, खाली बुनी में बेफा क्यों उड़ा देता, इससे क्या मिलेगा, मतलब हम कमाते हैं अभी खाएं अभी पिए, इससे तो फायदा होगा कि हाँ हम कमा रहे हैं अपने भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सबको बनाना प्रसाद कराना ये तो सब बेवकूफी है खाली में, इससे क्या होगा। ये बड़ा भाई छोटे भाई से परेशान था, वो सोचता था कि मेरा छोटा भाई कैसी तरह से भक्ति में आ जाए, भगवान का नाम ले ले, इसका भी कल्याण हो जाए। और छोटा भाई बड़े भाई से परेशान था कि ये पैसा बेफालतू में वेस्ट कर रहा है बेकार कर रहा है। तो जो बड़ा भाई था वो जैसे मोहल्ले मोहल्ले में काम करो कि कुछ साधु मतलब सच्चे लोग होते हैं उनसे कहवाता था कि मतलब हमारे भाई को समझा दे रहे हैं, घर वाले की बात को भी मानता नहीं, वो बात हो जाती घर की बोली मानते नहीं, तो पड़ोस से कहती उसे समझा देना कि अच्छी रास्ता चले साधु संतों का संग करते, तो मानता नहीं था। एक दिन गाँव में नगर संकीर्तन हो रहा था, संकीर्तन में साधु संत आए हुए गाँव की जो गाँव में जो संकीर्तन कर रहे थे, बड़े भाई को पता चले कि गाँव में संकीर्तन हो रहा है, तो वो बड़ा भाई वहां तक पहुंच गया। छोटे भाई से कहती छोटा भाई को जाया गया, उसने बोला तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। तो वहां जो साधु संत आए हुए थे उनने जो बड़े भाई ने दंडवत प्रणाम किया साक्षांग दंडवत प्रणाम किया साधु संतों को और संकीर्तन हुआ सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने जो संत थे उनसे उन्होंने एक आग्रह किया, बता सारी बात बताई कि मेरा छोटा भाई है वो मतलब कि साधु संग नहीं करता, हरिनाम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता और मैं बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई साधु संग करे, वो भी भगवान का नाम लेते उसका कल्याण किसी तरह से। जो संत थे उन्होंने कहा करो ठीक है जिस दिन तुम्हारा भाई घर पे हो उस दिन आप हमें बता देना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा भाई घर पे रहेगा उस दिन हम आपको बता देंगे। एक दिन बात की उनका बड़ा भाई जो था छोटा भाई घर पे ही था, वो गए पूरे दिन घर पे पूरे दिन लिए काम में नहीं गए घर पे थे, तो बड़ा भाई गया और उनके लिए प्रति भोज में भोज पे भोजन के लिए प्रसाद के लिए बोला गया कि आप कितने बजे प्रसाद पे आ जाना, और फिर शाम के लिए बुला गया यहाँ पे शाम हुई, तो बड़े भाई ने फिर सबके लिए रसोई बनाना शुरू कर दी प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। छोटा भाई देखने लगा हम दो लोग खाने वाले हैं आज प्रसाद इतना क्यों बन रहा है, बहुत सारा प्रसाद बन रहा है, हमने पूछा छोटे भाई ने भाई इतना प्रसाद क्यों बनाया, तो पहले तो शांत रहे कुछ नहीं बोले, मैं तो मैं बताता हूँ तुझे भाग जा रहा है कुछ नहीं बोलते कि कुछ नहीं ऐसे बनाया नहीं बनाया, तो वो तो शांत रहा। फिर थोड़ी देर में उन्हें देखा कि साधु संत नगर संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं अपने भजन कीर्तन करते हुए ढोल से बाजा से और सब कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, तो उसने देखा कि आज भगवानी जीवन नहीं और दूर से मेरे घर की तरफ भी साधु संत आ रहे थे, उन्होंने पूछा अपने बड़े भाई से ये भीड़ इधर क्यों आ रही है अपने घर की तरफ क्यों आ रही है, तो उन्हें फिर उन्हें बता दिया बोले कि हमने आज तुम्हारे लिए साधु संतों को बुलाया ताकि तुम्हारी साधु कुछ संग हो जाए तुम्हारी सुवृत्ति बन जाए अच्छे कर्म करोगे तो बाद में तुम भगवान 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 जाओगे, बोला ये तो सब बकवास है अभी अच्छे क्या करना है अभी ना इससे अच्छा क्या होगा अभी तो इतना पैसा वेस्ट कर दोगे तो उससे अभी तो कैसे बिगड़ेगी। बड़े भाई ने फिर जब वो समीर बन जाए घर पे आए तो वो छोटा भाई था उसने क्या करना बोला जब तक तुम समीर ना करोगे मैं अंदर कमरे में बंद हो जा रहा हूँ तुम जाए कुछ करना मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वो अंदर कमरे में घुस गया और उसने अपनी दुआ बंद कर दी। फिर साधु हमारे उन्हें बताई कि जो बड़े भाई ने बताई साधु लोगों की मतलब मेरा छोटा भाई जो है कमरे में बंद हो गया वो तो बाहर नहीं निकले बंदे गई तरह कोई बात नहीं आप प्रसाद घर कर अपने प्रसाद लगाए कीर्तन में फिर वो चलेगा। लेकिन हमें जो साथ मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम सब चले जाओ रात्रि में चले जाओ और वो वहीं रुके थे वो एक उसी गेट गेट पर ही उन्होंने बाहर से खुली लगा दी उसी के गेट के बाहर खुली लगा दी जो छोटा भाई अंदर बनता। फिर जब उसने देखी कि मतलब कीर्तन बैठे हुए सब लोग चले गए तुम सभी लोग चले गए होंगे बड़े अंदर ना फिर उसने किवाड़ खोल के सोचा सभी लोग चले गए देखो कीर्तन करते रहे आवाज आई है। फिर उसने जब अंदर से मारा दरवाजा खोला तो बाहर से बनने लगी उसने धक्का लगाया खुली नहीं अंदर जाकर फिर जैसे कमरे में हम वैसे तो कितनी देर पर लेटते रहे बैठे हैं लेकिन जैसे जब हमें मोबाइल लेट गया बाहर निकलना तब तक एक सेकंड मुझसे करेगा जब कमरे में बंद है लेटे रहे सोते रहे पिक्चर देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं कुछ भी करते हैं तब तक कितने घंटे बंद रहते लेकिन जब इच्छा हुई बाहर निकलना है तब एक सेकंड बहुत भारी होता है कि बात लगा जैसे ही बोली उनके
बराबर कर सकते हैं
जहाँ भगवान है मेरे साथियों को कहता है मैं सबसे सृष्टि करना है कि गलत क्यों बता होता है तो फिर जब किसी को नहीं मिला तो वो जो छठा भाई था बोला तो उसके मन में फिर से करके मिलता था तो बहुत बड़ी महिमा है इसकी उन्होंने बताया इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है तो उन्होंने सच्ची सभी कह दी बोले ऐसा है आप भी पालकी लेते हो आपको भी पालकी जब आपको नहीं पता तो आप भी पालकी लेते हो तो सचिव को भी मजबूरियां पालकी ले जाएंगे वो भी पालकी में उसके लगे तो उन्हें भी मजबूरी ले जानी फिर जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताया सारा सब कुछ सामने सब कुछ बात बताई ब्रह्मा जी से पूछा कि आप जानते हो भगवान की भगवान के नाम की महिमा ब्रह्मा जी भी सोचने पड़ गए कि मतलब इसका मोल क्या है उन्होंने कहा आप बता दो कि भगवान वो मतलब भगवान के नाम का मोल क्या है राम के नाम का मोल क्या है कृष्ण के नाम का मोल क्या है वो भी सोचने पड़ गए बोले भगवान के नाम का मोल इसका तो हम कैसे कह सकते हैं मोल इसके बराबर हम कैसे कह सकते हैं कि इसके भगवान के नाम के बराबर ये वस्तु है बोले कि हमें भी नहीं पता कि भगवान के नाम के बराबर कोई वस्तु हो नहीं सकती है वो भी सोचने पड़ गया बोले नहीं मैं नहीं जान सकता अब तो श्री हरि विष्णु जी बताएंगे उन्होंने भी मना कर दी बोले इसका तो मैं भगवान ही बता सकते हैं विष्णु जी बता सकते हैं श्री हरि है जो तो फिर वो जो उसका भाई था वो बोला चलो इन्हें भी नहीं पता ये भी पालकी यमराज जी को नहीं पता ये भी पालकी लेके आए शंकर भगवान जी को नहीं पता गौर शंकर जी को नहीं पता था वो भी लेके आया इन्हें नहीं पता तो उनसे बोला ऐसा कि आप ये पालकी लेते लोग श्री विष्णु जी भगवान का तो उन्हें भी मजबूरी में जानी पड़ी वो भी फिर उन्हें भी साथ में कर दिया जब वो बैकुंठ धाम पहुंचे श्री हरि विष्णु जी के पास में फिर जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे विष्णु जी को मतलब भगवान दत्तर यानी उन सारी चीजें देख रहे थे उन्हें सब कुछ बता दी लेकिन फिर भी उन्होंने सारी बात बताई फिर उन्होंने कहा कि जो छोटा भाई था बोले इसे उतार के मेरी गोद में बैठा दो उठा के उनकी गोद में बैठा दिया उनकी गोद में बैठा दिया और फिर जब जो भगवान के मतलब जो भगवान की गोद में पहुंच गया भगवान के धाम में पहुंच गया उसके तो सारे वैसे ही कष्ट मतलब जितने भी पाप उन्हें सभी नष्ट हो जाएंगे चाहे पुण्य में चाहे पाप में वो तो सभी चीज नष्ट हो जाएंगे क्योंकि पुण्य होने को पृथ्वी पर आना पड़ेगा और पाप होंगे उसे भी भरना पड़ेगा दोनों के लिए भोगना पड़ेगा पाप दोनों के लिए लेकिन जो भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंच गया तो उसका खत्म वैसे ही निकल जाता है पाप उनका खत्म तो जब वहां पहुंचे फिर वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा फिर यमराज जी ने और सबने आग्रह किया कि आप अपने नाम की महिमा बताएं अपने नाम की तो बोले कि मैं आपको महिमा तो खैर नहीं बता सकता महिमा तो नहीं बताऊंगा लेकिन तुम इतना समझ लो इसने अपने जीवन में एक बार किसी साधु के सामने भगवान का नाम लिया था एक बार लिया था और आप सब लोग इन्हें पालकी में बैठा के मेरे पास मेरे गोद में लेके आए इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है असली माँ है जैसे माताएं अगर बच्चों को मैया दूध दे सकती हैं अगर बच्चा अगर बिना खाए पिए सो गया भले ही मैया भोजन नहीं करे लेकिन भोजन पहले किसको कराती है बच्चों को कराती है अगर बच्चे अगर खुश है ना माँ खुश रहती है पिता भी खुश रहते हैं लेकिन हमारी असली माँ कौन है श्रीमती राधा रानी ये असली माँ है अगर बच्चे दुख कष्ट भोग करे माँ को गुस्सा नहीं कर सकते इसलिए हमारे दुख कष्ट को देख करके राधा रानी कहते अपना नयन मणि मंजरी मतलब नयन मतलब आँखें हैं आँख का जो पुतला है कहते उसको ही एक रूप है इसलिए
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जगत में उन्होंने जब आए तब राधा रानी इनको बोले देख तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना साथ में अपना परिकरों को भक्तों को साथ में लेकर के जाओ और जगत में हरि भक्ति को प्रचार करो और जीवों को मेरे पास में ले आओ। इसलिए उनका अंदर में श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज एक महापुरुष हुए, इतने अच्छे लिखे पढ़े थे तो सोच नहीं सकते। जब अंग्रेजी बोलते थे ऐसे लगता था कोई साक्षात कोई अंग्रेजी, जब हिंदी भाषा में बोलते थे लगता था जैसे उनका भाषा हिंदी होगा, लेकिन जब ये बंगला बोलते थे लगता था ये बंगाली ऐसे। इसलिए प्रभुपाद का घर में हम कितना ब्रह्मांड कार्य के शक्ति धरे जाते हैं, एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं प्रभुपाद के जो गण लोग थे। इसलिए जब प्रभु जब बहुत बड़ी कई सभा होती थी प्रभुपाद के पास में जो उनको भक्त लोग थे ना, एक से एक करके विद्वान थे, एक से एक करके विद्वान थे। प्रभुपाद जब देखते थे बहुत कहीं ज्यादा शिक्षित लोग बैठे हुए लिखे बड़े लोग बैठे हुए तब उन्होंने ये भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज को खड़े करते थे। क्योंकि एक समय क्या हुआ मथुरा में एक कॉलेज का ओपनिंग हुआ, कॉलेज जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर प्रिंसिपल जिसमें आए थे, बहुत दिन पहले की बात है। जब इनको खड़े किए क्या उन्होंने अंग्रेजी बोले, पहले अभी तो अंग्रेजी का इतना वैल्यू नहीं, सब बच्चे अंग्रेजी पढ़ते, पहले सब लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, अगर दो चार कोई अंग्रेजी बोलते थे ना सोचते थे भैया बड़ा पंडित है बड़ा विद्वान है अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, उस समय इतना लिखाई पढ़ाई था नहीं। लेकिन साधारण लोग का जो धारणा होता है ना कि सब साधु लोग कौन है जिनको पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं रहा, ठीक से अपना बीवी बच्चों को पाल नहीं पाए और घर वाले छोड़ करके सबके सब ये साधु बन गए, साधारण लोग का धारणा यही है। लेकिन जब उनको खड़े किए तो क्या अंग्रेजी बोले, क्या धुमाधार अंग्रेजी बोले, वहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोफेसर प्रिंसिपाल बैठे हुए थे उनकी अंग्रेजी को सुनकर के ना चकाचौंध हो गए। यही भगवान हम तो सोच रहे थे बाबा लोग कोई लिखे पढ़े ही नहीं पैसा कमाने का कोई नहीं इसलिए साधु बन गए, और ये जो अंग्रेजी बोल गए ना, ये जो अंग्रेजी बोल गई हमें भी इतना प्रोफेसर नहीं अंग्रेजी, हम भी इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं जानते, ये जितने अच्छे अंग्रेजी बोल रहे थे इतना इतना। इसलिए वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, गए वहाँ पर इस्कॉन मंदिर देखोगे, इस्कॉन मंदिर को सामने जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी आप देखो आप पर देखना, वहाँ पर लिखा बन महाराज यूनिवर्सिटी, इन्होंने पूरा उन्होंने कॉलेज को खोल कर गए हैं विशाल जगह वृंदावन में। मुझे लगता है वो कॉलेज जितने बड़ी जगह में वृंदावन में शायद और किसका इतना बड़ा जगह नहीं है, इतने बड़े जगह में उन्होंने कॉलेज को खोल कर गए। जिसमें इसलिए कॉलेज को उन्होंने खोल कर गए कारण है बोले बच्चे लोग पढ़ने के लिए आएंगे, उस समय उन्होंने नियम बनाया था जब पढ़ने के लिए आएंगे साधारण रूप में स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाई होता है कि जड़ विद्या पढ़ाई होता है, कोई सीए करता है कोई इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उन्होंने बोले नहीं यहाँ पर सा विद्या जब तक मतिर जया कहते वही विद्या है। विद्या मतलब क्या है, विद मतलब होता है जानना, जो भगवान को जाना दे है कहते सही से विद्या फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद्म जति चित्त वृत्ति रहे, कहते विद्या पढ़ने का असली तात्पर्य क्या है, विद मतलब जानना, बोले किसको जानना, बोले प्रभु को जानना भगवान को जानना। इसलिए वही विद्या विद्या है जो भगवान तक जीव को ले जाए। इसलिए उन्होंने नियम रखा था ये यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई होगी भागवत पढ़ाई होगा हमारे वेद यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चे लोग और हमारे जो भारतीय संस्कृति जो सनातन धर्म ये कॉलेज में ये सनातन धर्म प्रचार होनी चाहिए बच्चों को। यहाँ पर एक कोर्स रखा उन्होंने हैं जिसमें भक्ति की जैसे यहाँ भी पढ़ाई हो, पढ़ाई को साथ साथ में बच्चों के अंदर में हमारी सनातन धर्म की संस्कृति इनका संस्कार भी बच्चों को प्रवेश, इसलिए उन्होंने हाँ हाँ बोले हाँ इसलिए प्रभुपाद की कदे इनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। इसलिए अब लोग नंदगांव गए अगर कभी जाओगे वहाँ पर भी देखना बहुत बड़ा कॉलेज है, इनके महापुरुष ने ये कॉलेज को उन्होंने पढ़ा था। इसलिए इनकी जो भावना थी
कि हम बहुत अच्छे लिखे पढ़े थे, हैं अच्छे लिखे पढ़े थे, तो भावना थी कॉलेज में केवल पैसा कमाने के लिए केवल पढ़ाई नहीं हो, केवल एक एटीएम अभी पढ़ाई क्या होता है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, कोई भक्ति कोई शिक्षा नहीं देती, लेकिन भावना थी पढ़ाई के साथ साथ में भी प्रभु की भक्ति की भी शिक्षा दिया जाए, इसलिए उन्होंने कॉलेज को उन्होंने खोली, बड़ा नाम इनको हो गया है, बड़े नाम इनको हो गया, लेकिन ये इसलिए कहते इनको भेजा किसने, कहते ये स्वयं जब प्रभुपाद भजन कर रहे थे हैं, वो सोच रहे थे इनको ऊपर में भक्त कुमार ठाकुर, इनकी गुरुदेव गौरवेश्वर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इनको बोल करके बोले देखो बेटा, जब इन्होंने देखा इतने धुरंधर ये विद्वान थे प्रभुपाद, इनका जो गुरुदेव थे और इतने धुरंधर विद्वान थे, उसी समय में जो ज्योतिष विभाग का सबसे जो बड़ा पोस्ट प्रिंसिपल का पोस्ट इनको दे रहे थे, बोले आप ही इसमें बैठ सकते हो, इतने बड़े ज्योतिष थे प्रभुपाद, लेकिन इन्होंने बोले मैंने ये तारा और ईंट पत्थर को गिनने नहीं आया, मैं तो गोलोक वृंदावन से महाप्रभु और राधा कृष्ण हमको हैं अपना पियन रूप में भेजा, जगत में जाकर के हरि भक्ति को जगत में प्रचार और प्रसार कर, ये काम के लिए हम नहीं आए, लेकिन वो इतने विद्वान थे उसी समय में, जितने बड़े विद्वान सब बोले देखो प्रभुपाद ये कुर्सी में केवल बैठने का आदि जो दिया है, अगर ये सीट को आप ग्रहण नहीं करोगे, जब तक ये दुनिया जब तक आप जगत में रहोगे ये कुर्सी में और कोई बैठ नहीं सकता, आपके सिवाय कोई बैठने का योग्य है, इतने बड़े विद्वान थे ये प्रभुपाद हैं, इतने बड़े विद्वान थे, इसलिए इनको सबके सब मिल करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम दिया, दूसरे सरस्वती बाग थे भक्ति सिद्धांत का ही बाग थे, इसलिए इनको जब राधा रानी भेज रही थी बोले अकेले नहीं, तुम अपना परिकरों को अपना भक्तों को लेकर के जाओ, इसलिए प्रभुपाद का जितने परिकर है जितने उनके भक्त है ना वो राधा रानी को द्वारा भेजा हुआ और उनको साथ साथ में आए, और इन्होंने भजन में कैसे आए देखो, एक समय प्रभुपाद कथा सुना रहे थे, बहुत लोग जैसे बैठे हो वहाँ बहुत लोग बैठ कर कथा सुना, कथा सुनाते सुनाते उन्होंने एक श्लोक को व्याख्या कर रहे थे, और व्याख्या है मैं कुछ दिन पहले बोला था ना ये श्लोक को आप लोग याद करो, कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं लब्धा सुदुर्लभमिदं, बहुत किसको किसको याद है हाथ उठा, हाँ कितना काम में लग रहा है, इसलिए लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थतम अनित्यभिधिर तृणम जतेत न पतेत अनुमृतुजावत निस्रसाय विषय फलो सर्वत्र सा, इस श्लोक को व्याख्या करते भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे क्या कह रहे हैं कि जो मानव शरीर है 84 लाख जन्म के बाद में ये जीवन प्राप्त होता है लब्धा सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं बहुत भाग्य से ये जीवन मिलता है, इसलिए जो मनुष्य जन्म को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है, महत्वपूर्ण बताया, लेकिन महत्वपूर्ण तो बताया लेकिन ये जीवन कैसे है, बोले कमल दल जल जीवन, जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखने पर वो किसी समय में गिर सकता है, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, जैसे बारिश का समय देखना पानी का बुलबुला झट पड़ता झट खत्म हो जाता है, झट पड़ता झट खत्म हो जाता है, अभी देखा कोरोना में कितना लोग चले गए, कितने लोग कोरोना में चले गए, हम भी कब चले जाएंगे अभी पता है, कब चला जाए कोई पता नहीं, घर से निकल कर के जाओ ना, हम ठीक ठीक से घर में वापस आ सकते कोई बोल सकता, नीचे में भर पड़ो कितने लोग एक्सीडेंट में हार्ट अटैक में कैसे कैसे लोग मर रहा है, हैं कैसे कैसे लोग मर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीवन है ये कमल का पत्ते के ऊपर जो पानी रखने पर से टकमगाता है किसी समय वो गिर सकता है, उसी तरह ये जीवन में कोई विश्वास नहीं, निश्वास नैव विश्वास तथा रूद भविष्यति, ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं, जैसे हमने श्वास छोड़ा किसको पास में कोई गारंटी दूसरा बार श्वास ले पाएगा, किसको पास में गारंटी है, तो ना बैठे बैठ कर हार्ट अटैक हो जाता कोई कारण नहीं बैठ बैठ कर चले, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं बोले त्रुणाम बोले जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन में लग जाओ, प्रभु की भक्ति में लग जाओ, दूसरे काम को पीछे रख लो, ये काम तो होता रहेगा, ये काम तुम्हारी होता रहेगा, और इसके पहले जो जीवन में तुम भ्रमण किए हो 84 लाख जन्मों के बाद में मिला उसी जीवन में यही काम करते करते आए लिखा पढ़ाई किया
एक नौकरी कर लिया, दो शादी हो गई, दो चार बच्चे हो गए, उनको पालन किया, मर गया, यही तक किया, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। बताओ इससे ज़्यादा कोई कुछ करता है, हैं? जो जानवर जीवन में जानवर भी जो काम आसान से करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी से कथा सुना रहे थे, जितने जल्दी हो, इसलिए कल कर सो आज कर और आज कर सो अब, बोले पहले में प्रलय होगी बहुत रहेगा। इसलिए भक्ति के लिए कल जिसको करना चाहता आज करो, आज जो करना चाहता अभी करो, क्यों? ये पल में प्रलय हो जाता है। इसलिए जब उन्होंने ये कथा को सुनी ना, वो जानते हो कहाँ जा रहे थे, वो पिताजी के लिए दवाई लेने के लिए गए थे, पिताजी बुखार में वो दवाई लेने के लिए गए थे, और देखा प्रभुपाद बड़े महान पुरुष थे, देखा इतने सुंदर प्रभुपाद का शरीर का रंग ऐसे राधा रानी के जैसे कल रहेगा, एकदम तप्त कांचन गौरांग, उनका शरीर रंग बड़े सुंदर रंग था राधा रानी के दिए जाने, क्या विशाल महापुरुष, क्या उनका सामूर्ति, उनको फोटो देखो तो पता चल जाता है कितने सुंदर प्रभुपाद। इसलिए उनको देख करके खड़े होकर कथा सुन रहे थे, ये सब कथा प्रभुपाद इसी श्लोक को इतने सुंदर उन्होंने व्याख्या किया है ना, हे सुन सुन करके पिताजी की दवा लेने के लिए गए थे, बस वहीं पर ही छोड़ करके वहां मर गए। और प्रभुपाद के साथ में बोला और मेरे घर नहीं जाना, और घर में मेरे को नहीं जाना है, क्योंकि ये वो कह रहे थे निश्वास में कोई विश्वास नहीं है, तब ये बंद हो जाएगा, हैं? कब बंद हो जाएगा, किसी समय मर सकते हैं, लेकिन ये जीवन तो हर समय जीवन तो मिलेगा, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलेगा, ये तो 84,00,000 ब्रह्म के ही निरंतर दे। इसलिए इसी जीवन में ही भक्ति कर सकते हो, क्योंकि विषय फल सर्वत्र से, मतलब है कि जो विषय भोग तो हर जीवन में होता है, लेकिन प्रभु का भजन किसी जीवन में नहीं होता, वहीं से छोड़कर चले। और इनको प्रभुपाद ने अंग्रेजी बहुत अच्छे लिखे पढ़े थे, इसलिए इनको इन्होंने अमेरिका भेजा, प्रचार करने के लिए महापुरुष को उन्होंने अमेरिका में भेजा था अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए। इसलिए और इनका जो बड़ी उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर भजन भी लिखे, और इनका जो भाषण था ना, इतने सुंदर अलंकार युक्त भाषण, बड़े सुंदर अलंकार युक्त भाषण। अब प्रभुपाद इनको बताया जाता था प्रभुपाद ने सोनार छेले, समझते हो, कहते ये प्रभुपाद का जैसे किसका किसने अपना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, सोनार बच्चा, सोना मतलब समझते हो सोने सोने की बच्चा, मतलब प्रभुपाद इतने देखने में बड़े सुंदर थे और बड़े लिखे बड़े थे, किसी काम में भेज देते थे प्रभुपाद को विश्वास था कि करके आएगा, प्रभुपाद को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसको, इसलिए बोलते थे प्रभुपाद का ये सोने का बच्चा है, प्रभुपाद का सोने के ये बच्चा इनको बोलते थे, इतने प्रभुपाद उनको प्यार करते थे। इसलिए इन्होंने वृंदावन में इनका भजन कुटी है, मदन मोहन के पास में उन्होंने भजन कुटी बनाया, बोले यहाँ पर मैं साधन भजन करूँगा, भजन करूँगा। और एक उन्होंने गुफा बनाए थे, जिस गुफा को अंदर में रह करके वहीं पर वो भजन करते थे, और बड़े सुंदर सुंदर भजन श्लोक, और बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान, बड़े सुंदर श्लोक और विरह। और उन्होंने साक्षात उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती को दर्शन किया, और उन्होंने जब उन्होंने काशी विश्वनाथ गए थे वो सोच रहे थे तभी मैं समझूंगा मेरे ऊपर में शंकर जी की विशेष कृपा है, हाँ उन्होंने कोई कथा है, पहले अगर हमको कोई गुलाब की फूल माला अगर मिले, और उन्होंने जो इच्छा किया था उनको गुलाब की फूल की माला मिली, और उन्होंने शंकर जी के ऊपर चढ़ाया था, इसलिए आज ये महापुरुष का तिथि है, हैं? ये महापुरुष का प्रभुपाद का इनका ये तिथि है, इसलिए आज महापुरुष का तिथि, ये महापुरुष हम लोग आशीर्वाद करें, हम लोग प्रभुपाद कृपा करें, जैसे हम भी इनकी जैसे महापुरुष का वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार कर सके, बोल सकते हैं बड़े कुछ सुबह तब बताओगे, आ जाओ जल्दी से खराब हो, सुबह तैयार हो गया तुम्हारा, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, वाञ्छाकल्पद्रुवस्य कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री दुर्ग गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्तिसार गोस्वामी महाराज एवं सपरिकर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हमने श्रवण किया गुरुदेव के मुखारविंद से शिल भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज की महिमा, किस प्रकार उन्होंने प्रभुपाद का चरण आश्रय लिया था। अपने पिताजी के लिए औषध खरीदने के लिए वो आए थे, उनके पिताजी जब गाँव में रहते थे बीमार होने के पश्चात उनको ढाका में ले आया गया उनके चिकित्सा के लिए, तो उस समय पर शिल महाराज जी भी ढाका में आए थे और ढाका में वहाँ पर एक मठ है, तो उस मठ में जाकर जब इन्होंने प्रभुपाद की महिमा सुनी, जब प्रभुपाद का इन्होंने गुणवर्णन सुना, तो उस समय पर उनके दर्शन करने की इच्छा से ये आ गए कलकत्ता। कलकत्ता में ये कह दिया कि मैं अपने पिताजी के लिए औषध लेने जा रहा हूँ और आ गए कलकत्ता, और कलकत्ता में आके इन्होंने प्रभुपाद से फिर हरिकथा श्रवण करी। प्रभुपाद की हरिकथा श्रवण करके ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने वापस जाने अपने पिताजी के पास में जाने का विचार ही छोड़ दिया। इन्होंने सोचा कि मैं अब यहीं पर रहूँगा, तो इन्होंने वहीं पर कलकत्ता मठ में रहना आरंभ किया और अपने पिताजी की मेडिसिन किसी तरह से भेज दी। कुछ समय के पश्चात इन्होंने जब प्रभुपाद को हरिनाम और दीक्षा के लिए कहा, तो उस समय पर प्रभुपाद ने इनकी परीक्षा करने के लिए, दीक्षा से पहले ऐसी परीक्षा करने के लिए इनको कहा कि तुमने अब तक जो हरिकथा श्रवण करी है उसके बेसिस पर तुम्हें कुछ आर्टिकल या कुछ लिख के दो, मुझे कुछ कविता आर्टिकल कुछ लिख के दो, एक लेख लिख के दो। तो उस समय पर इन्होंने एक प्रबंध लिखा जिसका टाइटल था आत्मीय के, बांग्ला में आत्मीय के, आत्मीय मतलब हमारा हमारा रिलेटिव कौन है, आत्मीय मतलब हमारा बंधु, हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधी कौन है आत्मीय के। तो साधारण रूप में लोग क्या समझते हैं, आत्मीय अर्थात हमारे माता पिता, हमारा भाई, जो इस शरीर के संबंधी है उसी को ही लोग आत्मीय समझते हैं। किंतु उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर वर्णन किया कि आत्मीय किस प्रकार इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा का सद्बंधु कौन है। भगवान के द्वारा प्रेरित जो गुरुवर्ग होते हैं वे ही इस जीव के सच्चे आत्मीय हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में लिखते हैं ना, तव निज जन परम बांधव संसार कारागारे, इस भवसागर के अंदर एकमात्र बांधव, परम बांधव, बांधव ही नहीं परम बांधव कौन है, तव निजजन अर्थात भगवान के जो प्रेरित जन है, गुरुवर्ग हमारी गुरु परंपरा, वो ही एकमात्र हमारे परम बांधव है। तो इस तरह से करके इन्होंने जो आत्मीय के एक आर्टिकल लिखा था उसके अंदर शरीर से संबंधित नहीं, उन्होंने उससे आत्मा से रिलेटेड होके बड़ा सुंदर आर्टिकल लेख लिखा। तो उसको देख के, उसको पढ़ के प्रभुपाद बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इन्होंने उनको हरिनाम दीक्षा प्रदान करी, हरिनाम दीक्षा प्रदान करी। और वो जो आर्टिकल था वो बाद में फिर मैगजीन, जो उस समय पर नदिया प्रकाश जो मैगजीन निकलती थी उस मैगजीन में भी वो आर्टिकल प्रकाशित हुआ। कुछ समय बाद में इनको, इनकी जो प्रभुपाद के काफ़ी विश्रम्भ सेवा करते थे, प्रभुपाद की सेवा के लिए इनकी सारी चेष्टा रहती थी। और क्या था, जो प्रभुपाद के समय पर एग्जीबिशंस होती थी, प्रभुपाद क्या करते थे, अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस के माध्यम से कृष्ण लीला गौर लीला ये सारी लोगों को दिखाते थे, तो उससे लोग बड़े आकर्षित होते थे। तो इनका उसके अंदर विशेष कंट्रीब्यूशन था, जहाँ पर भी एग्जीबिशन होती थी वहाँ पर ये खुद जाकर कैसे डिज़ाइन होगी, किस तरह से पूरा किस तरह का लुक होना चाहिए ओवरऑल, वो सारा ये ही मैनेज करते थे, ये इन्हीं के गाइडेंस में सब होता था। एक समय पर इनको गौरमंडल परिक्रमा के अंदर कभी इनको हरिकथा बोलने के लिए काफ़ी स्थानों पर प्रभुपाद जी ने इनको कहा, तो उन्होंने बड़ी प्रभावशाली हरिकथा बोली और उसको देखकर ही कुछ समय बाद में प्रभुपाद ने इनको संन्यास भी दिया। जब ये आए थे, इनका पहले इनका नाम था नरेंद्र बंदोपाध्याय, और फिर जब ब्रह्मचारी, जब हरिनाम दीक्षा हो गई
तो उस समय पर इनका नाम हो गया नंदसुत। इस तरह से करके नंदसुत ब्रह्मचारी इनका नाम हुआ। और परवर्ती काल में संन्यास के पश्चात श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज इनका संन्यास का नाम हुआ। एक समय पर क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद ने इनको एक लेटर लिखा कि जब ग्रहण आने वाला था, सूर्य ग्रहण आने वाला था, तो प्रभुपाद ने इनको एक लेटर लिखा कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में जाएगी और हमें भी वहाँ एक विशेष सेवा करनी है। तो यद्यपि ये बहुत ही मतलब सीक्रेट वे में उन्होंने सिर्फ ये इतने शॉर्ट मैसेज लिख के और उनको लेटर में भेजा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद के हृदय के जो भाव हैं ये श्रील महाराज जी समझ गए। और इनको समझ के जब प्रभुपाद ने बोला कि हमें भी वहाँ एक विशेष सेवा करनी है, तो इनकी जो सेवा थी जो एग्जीबिशंस के अंदर ये करते थे, तो उसी को इन्होंने, क्योंकि कुरुक्षेत्र में क्या होता है, ग्रहण के समय पर एक मेला होता है, तब एक मास के लिए पूरा मेला लगता था, तो इन्होंने वहाँ पर बड़ी सुंदर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करी जिसके अंदर उन्होंने दिखाया किस प्रकार ब्रजवासी सब कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन से कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे हैं, और उन्हें बीच में जो है घनघोर जंगल मिला है, किंतु राधा रानी की स्वर्णमय अंग कांति से पूरा पथ आलोकित हो गया है और उनको सारे हिंसक पशुओं से इनकी रक्षा हो रही सारे ब्रजवासियों की। उस प्रकार आगे पहुँचते पहुँचते जब ये पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र के अंदर किस प्रकार नंद बाबा और सारे ब्रजवासी द्वारकावासियों से मिल रहे हैं, एक एक करके इन्होंने ये सारी लीलाएँ दिखाई, किस प्रकार वहाँ पर क्या हुआ, सभी लोगों ने सरोवर के अंदर स्नान किया है, ये लीला दिखाई, किस प्रकार वहाँ पर द्वारका की महिषियों ने कृष्ण को तोला है, स्वर्ण से तोला था ना, एक तरफ सोना और एक तरफ कृष्ण, किस प्रकार कृष्ण का पलड़ा पूरा भारी था और सोना पूरा उनका सोना खत्म हो गया तब भी कुछ नहीं हुआ, किस प्रकार बाद में उन्होंने श्रीमती राधा रानी और समस्त गोपियों को बुलाया, एक तुलसी पत्र वहाँ पर रखते ही और कृष्ण ऊपर उठ गए। तो ये सारी लीलाएँ उन्होंने अलग अलग एग्जीबिशन के माध्यम से सारी दिखाई, किस प्रकार रथ यात्रा में क्या होता है, श्रीमद जब ब्रजवासी के साथ में नंद बाबा और मैया यशोदा किस प्रकार कृष्ण से मिले हैं, और उनके जो वात्सल्य भाव था मैया यशोदा का उस समय पर, बड़े सुंदर रूप में इन्होंने एग्जीबिशन के माध्यम से वहाँ पर दिखाया, किस प्रकार कृष्ण मैया यशोदा से मिलते वक्त इतना क्रंदन कर रहे हैं और उनको आलिंगन करते करते ऐसा हो गया मानो उनके शरीर में ही प्रवेश कर जाएंगे, इतना सुंदर डिपिक्ट कर रखा था वहाँ पर। किस प्रकार श्री कृष्ण ब्रज गोपियों से मिल रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर क्या वो लीला करी कि मुझे ज्वर हो गया है, मैं बीमार हो गया हूँ, ऐसी लीला करके कृष्ण ने वहाँ पर ब्रज गोपियों से मिले हैं, और किस प्रकार ब्रज गोपियाँ कृष्ण को कहती है कि आने हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक करी जानी, जो रथ यात्रा का गूढ़ भाव है कि ब्रज गोपियाँ कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ पर बिठाकर द्वारका से वृंदावन ले जा रही हैं, किस प्रकार ब्रज गोपियों को द्वारका का ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं भा रहा है और वो कृष्ण को मधुर जो वृंदावन है वहाँ पर लेकर जा रही है, और किस प्रकार श्री सचिनंदन गौरहरी इसी भाव से विभावित होकर श्री रथ के सामने नृत्य करते थे, ये सारी लीलाएं उन्होंने उस एग्जीबिशन के अंदर बड़े सुंदर रूप में दिखाई। यद्यपि प्रभुपाद ने तो उन्हें सिर्फ ये लिख दिया था कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में जा रही है और हमारी वहाँ एक सेवा है, लेकिन उसके बीच उसके अंदर क्या गूढ़ भाव है, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, उनको उस भाव को इन्होंने पूर्ण रूप में समझ के, ठीक ठीक रूप में समझ के और ये जो सेवा करी थी, इससे प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे इनके जीवन में अनेक अनेक लीलाएं हैं, मुझे जो कुछ थोड़ा सा स्मरण था, जो कल हमारे प्रभु जी बता रहे थे ना, जो वैराग्य का इन्होंने बतलाया था, किस प्रकार पूरे जीवन इन्होंने जूता धारण नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में जब प्रभुपाद ने इनको विदेश प्रचार के लिए भेज रहे थे उस समय पर जूता धारण करने को कहा, तो गुरु आज्ञा पालन करने के लिए इन्होंने शूज़ पहन के, बड़े ही महंगे शूज़ पहन के और विदेश प्रचार में भी गए। तो ऐसे इन महापुरुष का जीवन चरित्र रहा है, हम भी आज इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार के विश्रम गुरु सेवा करी है, गुरु की मनोभिष्ट सेवा करी है, हम भी किसी जीवन में वैसा कर पाएँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्थलालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
तो सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर जय वंशपाद सुदृश श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सुदृश गुरु महाराज के चरणों में अनुकोटि दंडवत ज्ञापित करता हूँ। तदुपरांत यहाँ पर से सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करते हैं। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने जो है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सुना था, मैं उसी के बारे में बता रहा था। तो हमने पहले बताया था कि किस प्रकार जो है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास वो चांद काजी पर जो है अपनी कृपा करी थी, और फिर बाद में किस तरीके से चांद काजी जो है एक परम वैष्णव बने थे। आज जो है मैं थोड़ी सी संन्यास ग्रहण की जो लीला है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में जो है जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरा धाम पर आए। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु वैसे तो कृष्ण ही है, कृष्ण है, उनका शरीर तो कृष्ण का ही है, लेकिन वो राधा रानी के भाव को लेकर इस धरा धाम पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो है राधा रानी के भावों को आस्वादन करके देखना चाहते थे कि वो किस प्रकार जो है उनसे मतलब उनके प्रिय किस प्रकार है। तो उनके भावों का आस्वादन करने के लिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने ही इस धराधाम पर मंजरी भाव को वितरण करने के लिए भी आते हैं। तो बताया गया है कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कभी कभी राधा रानी के भाव में इतने ज़्यादा भावित हो जाते थे कि वो कभी बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगते, कभी ऊँचे ऊँचे स्वर में जो है उनका नाम पुकारने लगते, कभी जो है उछलते कूदते रहते, कभी बहुत जोर जोर से जो है वो हंसने लगते थे, हरी बोल कह करके रोने लगते या जो है नृत्य करने लगते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि महाप्रभु जो है अपने आप को गोप कन्या जान करके और गोपी गोपी कह करके ऊंचे स्वर में गोपी गोपी नाम का उच्चारण करने लगे। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु गोपी गोपी कह करके ऊंचे स्वर में आवाज़ लगा रहे थे, तब उनके पास जो उनके शिष्य थे उन्होंने देखा महाप्रभु को, और मूर्खतावश वो क्या करते हैं, कहते हैं, उनसे कहने लगते हैं, हे पंडित निमाई, कली काल में तो कृष्ण नाम ही जो है तारक मंत्र है, और तुम कली काल में भी जो है कृष्ण जो ये महामंत्र है इसको त्याग करके गोपी नाम लेकर के क्यों पथ से जो है विपथ हो रहे हो, क्यों अपने मार्ग से जो है भटक रहे हो। तो जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों की ये बातों को सुना, उस समय भी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु क्या थे, राधा रानी के ही भाव में भावित थे, लेकिन वो फिर भी देखो ये प्रकाशित नहीं करते कि हाँ वो ही कृष्ण है। और वो क्या कहते हैं उन विद्यार्थियों से जो है जानबूझ करके क्या कहते हैं कि तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो, क्या तुम उस कृष्ण की बात कर रहे हो जिसने छुप करके बाली का जो है वध कर दिया था, या तुम उस कृष्ण की बात कर रहे हो जिसने जो है बलि महाराज का सब कुछ हरण कर लिया था और सब कुछ हरण करने के पश्चात भी उनको जो है नरक में भेज दिया था, या तुम उस कृष्ण की बात कर रहे हो जो स्त्री जीत होकर के भी एक स्त्री जो उनके उनसे प्रेम की भिक्षा मांगने आई थी उसकी नाक काट दी थी, उस कृष्ण की बात कर रहे हो, इस कृष्ण की बात करके और उस कृष्ण का भजन करके मेरा कैसे कल्याण होगा। और देखिए इस तरीके से कहा क्या क्या हरकतें कर रहा है, कैसे हमें जो है मारने के लिए दौड़ रहा है। तो कहते हैं कि अगर इसने हम लोग एक योजना बनाते हैं, अगर आगे भविष्य में कभी निमाई ने इस तरह की कोई हरकत करी, वो हमें मारने पीटने के लिए दौड़ा, तो हम भी जो है उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम भी उससे जो है बदला लेकर के रहेंगे। तब जब महाप्रभु को इस बात का ज्ञात हुआ कि उन लोगों ने इस प्रकार की योजना बनाई है कि वो महाप्रभु के खिलाफ जाएंगे, तो महाप्रभु बोलते हैं कि ये तो वैसे ही घोर नरक में पड़े हुए हैं, और अगर इस तरह की लीलाओं की मेरी इस लीलाओं के कारण अगर ये डंडा लेकर के मेरे पीछे चल पड़े या फिर और भी मेरे को मारने की जो है प्लानिंग करेंगे, तो इससे तो ये और भी ज़्यादा जो है घोर नरक के अंदर चले जाएंगे। तो फिर महाप्रभु सोचते हैं कि शायद लगता है मुझे अब वो समय आ गया है जब मुझे सन्यास वेश को जो है धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सन्यासी को देख करके मेरे प्रति इनकी जो भावनाएं ना वो शायद बदल सकती हैं, और इस सन्यासी का वेश रख करके मेरे प्रति आदर भाव प्रकाशित करेंगे। अब जो है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सन्यास का वेश धारण करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो वो एक दिन जो है रात को ही अपने घर से सन्यास वेश धारण करने के लिए निकल जाते हैं। रात्रि में ही चुपचाप निकल करके अपने कुछ भक्तों के साथ श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कटवा पहुंचते हैं, और कटवा पहुंच करके केशव भारती जी नामक सन्यासी से वो जो है सन्यास ग्रहण करते हैं। इसके बीच में गुरुदेव बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार जो है जब श्रीमद गौर हरि गौर सुंदर
संन्यास लेने के लिए जाते हैं तो कैसे कैसे सची आंगन में जो है अपशगुन होते हैं, किस प्रकार वो अब जो है ज़्यादा डिटेल में तो गुरुदेव ही सुना सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा जो मुझे याद था मैंने सुनाने की चेष्टा करी है। पांच चार बात करें जैसे कि हरिबोल दो मिनट इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लेना चाह रहे हैं, महाप्रभु जब से गया से आए और अपना गुरु जी से मंत्र लिया, दिन रात कृष्ण बोल करके रोदन करते रोते रहते हैं, और उन्होंने जब से गया से आए पत्नी से कोई बात नहीं करते, दिन भर हा कृष्ण बोल करके मछाड़ खा कर गिरते हैं, कभी रोते हैं कभी चिल्लाते हैं। अभी महाप्रभु अभी श्रवण कर रहे थे, जब महाप्रभु गोपी गोपी बोल रहे थे उसी समय में जो विद्यार्थी लोग समझ नहीं पाए हैं, बोले तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, उनको बड़ा क्रोध आया, डंडे लेकर के मारने के लिए दौड़े। इतने में जितने पढ़ुआ लोग थे बोले हमें मारेगा, हम भी इसको दिखा देंगे। अभी महाप्रभु सोच रहे हैं, कहते खाई लो पिपुल खंड कब निवारते उलट या आर कब बाढ़ी कर देते। एक पिपिल एक दवा होता है जिसको खाने से कब अच्छा हो जाता है, लेकिन कहते मैंने इसी संसार में क्यों आया, जीवों को कल्याण करने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए, लेकिन ये तो मेरे को मारने के लिए प्लान ही कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ये कृष्ण है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को मारने के लिए प्लान ही करेगा फिर क्या गोबर मर भी जाएगा। इसलिए महाप्रभु सोचे इनके कल्याण कैसे हो, बोले जब मैंने संन्यास ले करके इनके दरवाजा पर जाऊँगा ये लोग मेरे को प्रणाम करेंगे सन्यासी मान करके, और भगवान को एक बार कोई प्रणाम करे ना फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अभी उनका जो पत्नी जो विष्णुप्रिया थी, अभी जिस दिन महाप्रभु संन्यास लेंगे वो विष्णुप्रिया जिस दिन अपना घर से रोज गंगा स्नान करने के लिए निकलती थी, जब गंगा स्नान करने के लिए सबर निकली उनका जो प्यार का जो अंगूठी था ना जो दहली होता था उसमें बड़े जोर से लगा, बड़े ओचोट खाकर गिर पड़ी, उससे खून निकल गया। अगर सवेरे सवेरे अगर कोई गिर जाए अगर प्यार से खून निकल जाए फिर क्या है, तो दिन हमारी अच्छा दिन हमारे जाने वाले नहीं, दिन बहुत बुरा जाने वाला। जब उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए गई, आप लोगों को पता होगा शादी का समय में नाक में बेसर पहनते माता है, लेकिन शादी का समय का जो बेसर था ना वो कहीं पानी में डूब गया। बोला हाय रे ये क्या हो रहा है, शादी का समय का बेसर हो गया, सवेरे सवेरे उठ करके आते ही मैं गिर पड़ी प्यार से खून निकल गया, ये तो सारे अपशगुन है। अगर पुरुष लोगों का डाहन का अंग अगर कंपन हो तो उसका अच्छा बताया, अगर स्त्रियों का अगर बाम अंग अगर फड़कता है आंखें भुजा जंघा ये बड़े अपशगुन है, ये अच्छी चीज नहीं है। अभी उन्होंने देखा सारे मेरे बाम अंग फड़क रहा है, हे भगवान आज क्या होने वाले। इतने में महाप्रभु जब से गया से आए पत्नी से बात नहीं करते थे, लेकिन आज का दिन उन्होंने सुंदर पान की बिड़िया बनाई और उनका पत्नी को बड़े पान की बिड़िया खिला रही हैं, अपना हाथों से फूलों से बड़ी सुंदर पत्नी को श्रृंगार कर रहे हैं। बोले भगवान आज क्या हो रहा है। अब देखना जो लंठन होता है ना इसको क्या बोलते हो, हरकिन लंठन, क्या उसको क्या बोलते हो, अरे बोलो क्या बोलते हो उसको जो पहले दिया लंठन बोलते लाटिन लाटिन उसको आप देखना, कभी पहले तो यही व्यवहार करते थे। ये जो बुझने का होता है ना आप देखना बड़ी जोर से धप करके आवाज़ होता है, बड़ी जोर से धप करके चलेगा और धप करके बुझ जाएगा, कहते लगता है आज कुछ अनहोनी होने वाला है, हैं। लेकिन जब से महाप्रभु आए गया से तब तक तो ये विष्णुप्रिया कभी सोती नहीं, लेकिन आज वो कोशिश करती है सोने के लिए, कोशिश करती है जगने के लिए, लेकिन उसको ऐसे लग रहा था जैसे आंखों के पलक ऊपर में कोई एक है 100 मन की किसने माना पत्थर पर लग दिया। वो कोशिश करते आंख खुलने के लिए लेकिन आंख खुल नहीं रहा है, क्योंकि भगवान ने जोग माया के द्वारा उन्होंने विष्णुप्रिया को सुला दी। और इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हुए महाप्रभु काटुआ में गए, अरे महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करते हुए दरवाजा पर गए और सभी को उन्होंने कृष्ण प्रेम की कृष्ण भक्ति की महाप्रभु ने भिक्षा मांगी। और वही महाप्रभु नवद्वीप में एक मूल एक स्कंद रूप में जो तना है
उससे दो टहनियाँ निकली नित्यानंद अद्वैत, उसमें और भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कुछ टहनियाँ निकली, उसमें नरोत्तम श्यामानंद आए, फिर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु आए, विश्वनाथ चक्रव ठाकुर, फिर प्रभुपाद आए, फिर उसमें हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति स्वरूप सिद्धार्थी गोस्वामी महाराज रूप रूप टहनियाँ निकली और ये टहनियाँ बढ़ते 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 बढ़ोतर भी आ गया, टहनियाँ बढ़ोतर भी आ गया और महाप्रभु ने वो भक्ति की धारा से बढ़ोतर में भी बहने लग गया और हम लोग भी उसमें स्नान करते हुए अपना जीवन को धन्य कर रहे हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। कीर्तन कर लेते, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लोग याद कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं सर।